सर एग्जॉस्ट। ओके मिलते बेटा। नमस्ते एवरीवन, कैसे आप लोग? वेल एंड गुड है आपका भाई भी एकदम मस्त। सो बॉयज, आज का व्लॉग का स्टार्टिंग हो रहा है एक बुरी खबर के साथ। आपका भाई का छोटा सा क्रैश हो गया था एक दो दिन पहले, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, चेक दिस आउट बॉयज, यहाँ पे मेरा ये जो स्पूल्स है ना, ये टूट गया और गियर लीवर भी पूरा बेंड हो गया था, बट मैंने रास्ते में ये ठीक करवाया था और हैंडल में थोड़ा सा यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा है। सो उसके वजह से गाइस हैंडल मेरे को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है चलाने में, सो एक साइड भाग रहा है बाइक। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम बाइक ठीक करवाने के लिए पहले। और मेरा व्लॉग्स इतना दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे, तो रीज़न मैं आप लोगों को मोटो व्लॉग में बताऊंगा, क्या सीन है क्या नहीं है, अभी मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। और मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप एकदम देख सकते हो अभी क्लीन कर दिया, पहले मैं स्ट्रैप वाला यूज़ करता था। तो ऐसे करते बॉयज, अब सीधा मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो फाइनली आपका भाई हिट कर चुका है हाईवे, अभी आपका भाई डुअर्स में ही है और अभी जा रहा है ओदलाबाड़ी का शोरूम। और बॉयज मैं जो हैंडल इंपैक्ट के बारे में बात कर रहा था ना आप लोगों से, ये चेक मारो आप लोग, ये लेफ्ट साइड का हैंडल ना थोड़ा लेफ्ट साइड बेंड हो रखा है और ये मुंडी भी एक साइड घूम रखा है बाइक का, पता नहीं क्या हो गया, टीवी बेंड हो गया ना, एक्सल बेंड हो गया ना, शॉकर के से उतना जोर से तो क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लाइक थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ा है बाइक में। और बॉयज कैमरा एंगल कैसा आ रहा है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि नया माउंट सेट कर रखा है, एक भगाते और आप लोग एग्जॉस्ट नोट का फील देते हैं बॉयज। ओ भाई कॉप्स का गाड़ी, बाल बाल बच गया, अरे एक्सीडेंट हो गया क्या, शायद एक्सल टूट गया गाड़ी का। होए होए होए। सो काफी दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। मेरे को लगा था मैं मोटो व्लॉगिंग करना भूल गया हूँ, क्योंकि 10-15 दिन से ज्यादा हो गए मैंने मोटो व्लॉग करा ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो रखा था, हेलमेट्स का ऑर्डर बहुत सारे आ रखे थे, तो मेरे को बार बार नेपाल जाना पड़ रहा था, हेलमेट का डिलीवरी वगैरह देना पड़ रहा था। सो यही रीजन था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। और बॉयज मैं आप लोगों को बता दूं, अब से कंटिन्यूस व्लॉग्स वगैरह आएंगे, क्योंकि मैंने दुधिया वाले घर भी फुल पावर वाईफाई लगा दिया है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ओदलाबाड़ी का मेन मार्केट और यहाँ से मुझे लेना है राइट। सर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, पकड़ लो, ये हुआ इस भाई का स्वैग। ऐसा नहीं है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था, क्योंकि यहाँ डुअर साइड में ऐसा एग्जॉस्ट का कोई सीन ही नहीं है, खाली सिलीगुड़ी में चल रहा है एग्जॉस्ट का सीन, पता नहीं क्यों, इतना डिसेंट साउंड है, डीवी चेक करने का मशीन वगैरह भी नहीं है। अरे भाई रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो, ऐसे लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। और मैं क्या कह रहा था कि उन लोगों के पास प्रॉपर डीवी चेक करने का मशीन भी नहीं है, और ऊपर से केस वेस दे देते 10-10 हज़ार का, भाई हम लोग कहाँ से भरेंगे 10 हज़ार का चलान। और बॉयज आप लोग ना मेरे वीडियोस देखते हो बट कमेंट ही नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो बॉयज, तभी तो आपका भाई को व्लॉग्स वगैरह बनाने में मजा आएगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट होगा आपका भाई। मैं चाहता हूँ कि इस वाले व्लॉग में आप लोग बहुत सारा ढेर सारा अच्छा कमेंट्स वगैरह करो, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो गए और अच्छा वीडियोस बनाए, आपके सामने अच्छा कंटेंट्स रखे। जो पहला वाला मेरा जोश था, वही जोश मैं फिर से वापस लेके आ सकूँ आप लोगों के सामने। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बजाज का शोरूम, सो घुसाते वर्कशॉप के अंदर फुल पावर। एक साइड ना लेफ्ट साइड में पुल कर रहा है, देखना थोड़ा अच्छे से। पाइप खाली टेढ़ा है, नहीं जान रहा मेरे को ना एक साइड तान चेंज करके चाहिए, नहीं होगा। सो फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है बजाज का शोरूम, और भाई बोल रहे थे कि पाइप वाइप बेंड है, तो शॉकर वॉकर में तो कोई प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं है, हैंडल का पाइप तो घर पे पड़ा हुआ है, विल्सन भैया ने सिंगल बार हैंडल लगा रखा है, तो भैया का पुराना वाला हैंडल पाइप घर पे ही है, तो यहाँ पे चेंज नहीं करवाते, घर पे ही जाके चेंज करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। मेरे को लगा था कोई बड़ा इशू होगा, टीवी लाइक बेंड हो गया होगा, लेकिन अच्छा हुआ कि लाइक खाली हैंडल पाइप बेंड है। और हियर इज आवर कुणाल भैया, कुणाल भैया को मैंने इंट्रोडक्शन में लिया ही नहीं था। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल तो घर पे ही पड़ा हुआ है विल्सन भैया का बाइक का, सो घर पे जाके देखते ये हैंडल पाइप मिला तो चेंज करवा लेते, नहीं तो यहाँ पे आके फिर से नया ही लगाना पड़ेगा। तो शोरूम के अंदर हमारा एक भाई वेट कर रहा है, कैसे हो, बढ़िया, क्या काम चाहिए थे? और सब बढ़िया है तो? हाँ सब अच्छा चल रहा है एकदम। ओके सही है, ओके मिलते। सो भाई भी अपने सब्सक्राइबर है, तो
तो हम लोग ऐसे नहीं कि सब्सक्राइबरों से नहीं मिलते, हम लोग सबके साथ मिलते हुए चलते भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग फ्लाई ओवर के पास वाले ढाबे में बैठ के फुल पावर कॉफी पी रहे। सो यार इस कुणाल भैया चीज चीज भैया, अरे भैया देखते देखते इन एक्सट्रीम में कन्वर्ट हो गया भाई, ये कैसे? हमारा बाइक वहाँ पे पार्क दे, थोड़ा धूप सेक रहा है। बहुत दिन हो चुके थे कि बाइक हमने नहीं निकाला था घर से, सो अभी फुल पावर अपना बाइक भी धूप सेक रहा है। तो कॉफी वॉफी पी के खत्म कर लिया है और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। और अब एक बार ये फ्लाई ओवर में ना आप लोगों को फ्लाई बाई का शॉट वगैरह दिखाऊंगा। तो कुणाल भैया अब यहाँ से फुल पावर लीन का शॉट लेने वाला है। सो गाइस आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत व्हीली का शॉट एंजॉय किया होगा। सो आपका भाई इतना परफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिस कर करके इतना तो मैं कर ही पा रहा हूँ व्हीली। सो कुणाल भैया को रख के अब एक बार मैं व्हीली मारने वाला हूँ यहाँ पे। रेडी वो भाई सेक्सी उठा भाई, ये तो सेक्सी वाला विली हो गया। मैं ऐसा पब्लिक रोड में विली विली नहीं मारता हूँ, आज खाली आप लोगों को दिखाने के लिए इतना मैं कर पा रहा हूँ बोल के ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं तो हमारे साइड में ना एक सुनसान रास्ता है जो अभी कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, सिक्किम जाने वाला हाईवे बन रहा है, तो वो वाला रोड में कोई नहीं रहता है, एकदम खाली खाली रहता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं। सो अब मैं सीधा रिटर्न जा रहा हूँ घर। लड़की ब्यूटीफुल कर दो टंकी फुल, कोई हम खुद डालेगा, ऐसे करके डालना भाई, देख रहे हो पेट्रोल डालने का टाइम पे ये वाला फीलिंग मास्टर है। तो अभी को भाई ना वैलेंटाइन नंबर ही पेट्रोल पंप वैलेंटाइन है सही अच्छा हमारा प्यार है भाई ये। सो बॉयज यहां पे अपना शुभम भाई, सो शुभम भाई का शॉप ओदलाबाड़ी में है, ये चेक मारो आप लोग, ये मेन हाईवे से ठीक अगर आप लोग उस साइड से आओगे तो राइट साइड पड़ेगा एससी ऑटोमोबाइल्स। भाई की दुकान पे आओ, विजिट करो भाई, एकदम लाइक सस्ता सस्ता दाम में एसेसरीज वगैरह दे देते हैं, ठीक है? कैसे हो? बढ़िया ला चलता हूँ। आप लोगों को बताया बॉयज, दो महीने से ना मैं अपना घर ही नहीं गया हूँ दुधिया, मैं इधर ही रह रहा हूँ डूअर्स में ही दो महीने से। एक दो दिनों में घर चला जाऊँगा, सो जब मैं घर जाऊँगा उस टाइम का ब्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। अब इनको ना हम लोग थोड़ा हेल्प आउट कर देते हैं। अंकल अंकल धक्का मार दूँ धक्का? अबे यार आप बैठो 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 बैठो, चलो चलो चलो। रास्ते में ना ऐसे अंकलों को हेल्प आउट करना चाहिए, तभी तो लाइफ में मजा आएगा। ठीक है बाय बाय अंकल। तो चढ़ाई में ना अंकल को थोड़ा बहुत हमने हेल्प आउट करवा दिया, तो यही ऐसे ही चलता रहता है लाइफ का फंडा, सब लोगों को मदद करो आगे बढ़ो। अगर आप लोग ऊपर बैठे हुए हो ना तो नीचे वालों को भी थोड़ा बहुत मदद कर दिया करो, मेरा तो सिंपल सा फंडा है लाइफ का। सो बॉयज फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है घर, और बाइक का काम तो नहीं हुआ है आप लोगों को पता ही होगा। और चेक दिस आउट, कौन है यहाँ पे? बोलिए। हे दिन भर सोती रहती है, इसको देख रहे हो? देखो इसको देखो। और मैं एक अपने सेलिब्रिटी भाई के साथ मिलवाने वाला हूँ आपको, चेक दिस आउट। सही है, सही है। विल्सन भैया फुल पावर हमारे लिए कॉफी वॉफी बना रहे। और एक चीज बताओ गाइस, विल्सन भैया ना जब मैं शोरूम में था उस टाइम पे फोन करके बोला कि लाइक मेरे पास हैंडल पड़ा हुआ है, और अभी आके बोल रहे कि नहीं है, मेरा बेकर में पेट्रोल भी फूक गया, और अब क्या करे, फिर से रिटर्न शायद जाना पड़ेगा शोरूम। सो बॉयज फाइनली कॉफ़ी वॉफी पी के ख़त्म कर लिया है, और कॉफ़ी पीते भी थे ना हमारे सामने उपस्थित हुए एक फुल पावर डांसर अपने क्रेजी डी व्लॉग्स। तो अब एक गाना में डांस दिखाएगा अपना कुणाल भैया। हमारा
भैया ना पहले बहुत अच्छे डांसर थे, डीआईडी का फर्स्ट ऑडिशन में लाइक सेलेक्ट हुए थे डीआईडी के ना। गाइज मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को, भैया डीआईडी में पहले गए थे पहला राउंड में तो सेलेक्ट हो गए थे भैया, लेकिन सेकंड राउंड में अनफॉर्चुनेटली भैया सेलेक्ट नहीं हुए थे। उस दिन से भैया ने डिसाइड करा कि मैं डांस वांस छोड़ दूंगा, खाली हमारे लिए आपके लिए खाली डांस करके दिखाया। सो ये डांस के लिए एक लाइक जरूर कर देना आप लोग फुल पावर। सो बॉयज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग स्टेट जाएंगे टूवर्ड शोरूम। हियर इज आवर विल्सन भैया, हियर इज आवर कुणाल भैया, और अपना एनएस तो क्या सेक्सी लग रहा है भाई, फुल पावर। सो बॉयज फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है शोरूम। मैं ना दिन में निकला था और रात हो चुका है, ये सब अपने विल्सन भैया के कारण। और कहाँ गए थे ये तो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, बहुत बड़ा कांड हो गया था हमारे साथ। और हियर इज आवर हैंडल पाइप बॉय। फाइनली हमने हैंडल पाइप ले लिया है क्योंकि अब शोरूम बंद होने वाला है, सो ये फिटिंग नहीं होगा आज यहाँ पे। तो हमारे घर पे भी सारा कुछ टूल्स वगैरह पड़ा हुआ है, हम लोग सोचे कि तो घर पे ही जाके चेंज करवा लेंगे ये पाइप वगैरह। हमारा 100-150 रुपए तो बचेगा ना। बोली फाइनली आपका भाई पहुँच चुका है घर, और अब यहाँ पे हम लोग फुल पावर फिटिंग करेंगे ये हैंडल पाइप, और ये जो स्पूल्स है इसका भी नट मिल गया हमें। और ये देख रहे हो ये पूरा एकदम खोल खाल के हम लोग यहीं पे सेट करने वाले, और ये हैंडल बार फिटिंग करने में हमारे साथ दे रहे अपने विल्सन भैया फुल पावर। जब तक हम लोग ये हैंडल बार खोलेंगे तब तक ना गाइज आप लोग एक वीडियो एंजॉय कर लेना कल का। सो हम लोग गए थे सिलीगुड़ी, वहाँ पे आपका भाई ने फुल पावर निंजा 400 चलाया था, तो वो वाला वीडियो एंजॉय करिए। तब तक हम लोग बाइक ठीक करवाते हैं बॉयज। आधा काम कंप्लीट कर लिया है, और ये पाइप का हाल देख सकते हो क्या भयंकर बैंड हो रखा है। ये बजाज का ओरिजिनल, और ये वाला अब इंस्टॉल करने वाले हैं हम लोग। फाइनली बाइक का काम करते करते शाम के बज चुके हैं 9, और अब बाइक का काम भी हो चुका है कंप्लीट, एकदम फर्स्ट क्लास A1 बन चुका है बाइक पूरा, देख सकते हो हैंडल वैंडल भी सेट हो चुका है, और ये स्पूल्स वगैरह भी लग चुका है। और बॉयज आप लोग सोच रहे होंगे इतना चमक क्यों रहा है ओएस भाई, तो देख सकते हो यहाँ दो जन हमारे लाइक लाइटमैन। तो बॉयज जैसे तैसे आज का व्लॉग तो हो ही गया, अगर आप लोगों को ऐसा ही टाइप का व्लॉग देखने को पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो बॉयज यार आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।